और ये बताइए, मोदी जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मोदी के आने के बाद देश भर में भाजपा की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में दोबारा बनी, तो मोदी की सरकार से संतुष्ट है? हाँ, मोदी की सरकार संतुष्ट है। तो शिवराज से फिर क्यों इतना नाराजगी? तो शिवराज से इसीलिए नाराजगी कि काहे को बताता है दूसरा और करता दूसरा। अभी अपनी बहनों को 1,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं वो। तो देने के लिए बात कर रहे हैं, कब आऊं दिए हैं? अभी दिए नहीं है, चुनाव आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। चुनाव के हिसाब में ही बोल दिए। अब 5 साल पे हम लोगों को घसीटते रहे, मेन बात ये हो गई ना। और वो तत्काल हिसाब बनाए यहाँ पर है कि मैहर को जिले बनाने की घोषणा कमलनाथ जी करके चले गए थे, फिर उसके बाद जिला बना नहीं। अब शिवराज सिंह चौहान जो मऊगंज को जिला बनाने की बात कर रहे हैं और शायद मऊगंज जिले को घोषित कर रहे हैं, तो ये चुनावी घोषणा पत्र होता है कि असल में होगा भी ऐसा? अब शिवराज सिंह जो कहें कि हम 4,000 देंगे, आज तक 3 साल से आज तक केवल 4,000 आओ है 3 साल से, और 2 साल का पैसा अपन शिवराज दबाए बैठे हैं। मगर मोदी का पैसा परमानेंट आता है, शिवराज का पैसा अटक जाता है। अटक जाता है तो वह क्यों दबाए बैठे हैं? माने घोषणा कर देते हैं पैसा देने में, हिसाब गड़बड़ होता है उनका। बिल्कुल। अभी मेडिकल कॉलेज बना आपके साथ? मेडिकल कॉलेज बना, सब कुछ बना, मगर जनता के खून चूस के बना हुआ। बिल्कुल, जनता से ही पैसा लेकर के, टैक्स लेकर के बनवाइन, और नाम आपन लगाएं कि हम बनवाएं। ये जीएसटी, हाँ बताइए भाई, ये बताएं, हम आपकी 20,000 का कोई सामान लेने गए, सोनी के पास गए, मान लिए बच्ची को शादी किया कि बच्चे की शादी किया, तो उसमें व्यापारी कहते हैं भैया इस रेट नहीं इस रेट लगाओ, तो व्यापारी कहता भैया जीएसटी भी लगी है। अब जैसे आप ये गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो गाड़ी की कीमत अगर 60,000 रुपये है तो लगभग 15,000 से 16,000 रुपये इस पर जीएसटी लग जाती है, और पहले जो है ये टैक्सेशन कम था, तो टैक्स बढ़ा है, इसी वजह से भी महंगाई बढ़ रही। जैसे मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को डीजल सस्ता मिले तो ट्रैक्टर वाले कम जोताई में जोते हैं। अब जो उपज पैदा करते हैं, जो बचती है मवेशियों से, तो ट्रैक्टर वाले को जोताई दे दिए। अब हम लोग अपने लड़के बच्चे लेके कहीं जंगल में पड़े रहें, वही मजदूरी करते कि फांसी लगा के मर जाएं, हैं? काल 800 रुपया खाद रही, आज 3,500 रुपया हो गई, किसान कहाँ से हिसाब बनाए? ट्रैक्टर जुताई काल 400 थी, आज हुआ 1,000 से ऊपर जा रही है, हैं? तो किसान तो इतने में मरगा? कहे अब जियत रही? आ ना यमा, ना बोर चलती, ना कुछ, ना सिंचाई का हिसाब किताब, कहा थे आए कि हम नहर निकलवा रहे हैं, हैं? कितने साल से नहर निकल रही? आज हम जब से जाने लायक भंतर से नहर है चालू भाई, अबे तक नहर नहीं आई। क्या सोची? सर्वे होता है, नहर आ रही है, कब आएगी अब भगवान मालिक है। हवाई जहाज के स्टेशन बन रहा है, हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है। 5 साल कौन नहीं देखता? अब 5 साल के बाद जब निर्वाय आ जाती है कि हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो खुदाई चालू कर देते हैं कि हाँ खोज के थोड़ा का जनता का, हाँ जनता का संतुष्ट कर दे। अब वह साल के अंदर ये नहर काया ही, अगर मंत्री मिनिस्टर लगे हैं तो नहर तो 6 महीने के अंदर बह जाना चाहिए। यह पब्लिक माना थी कि माने साल भर पानी ठेका दो, उसमें पानी बरसात खवा दो, इसके बाद बहा दो, हैं भाई? आज 15-20 साल से नहर हम निकाल रहे हैं, 2011 का सर्वे है, 11 से आज 23 लग गया, अभी तक नहर नहीं आई, हैं? पब्लिक पानी के लिए तबाह हो रही, तबाह हो। क्या लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिल जाएगी या फिर जो ऐसे हम पंचे जब मर जाब, जब हम पंचे मर जाब तब नहर आई, जानी थी तो का मतलब नहर आए का? एम ए का तो हमारे मंत्री मिनिस्टर का काम है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन जो तो आ रही है, आ रही है, आशा है अभी की आ जाएगी। बस यह कहे है मंत्री मिनिस्टर हमार बैठा दे थे मोहर लगा लगा के, मगर फिर आगे कौन काम नहीं हो पावे। ये शिवराज सिंह को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस बार बदल जाओगे जो तो अगर काम नहीं। शिवराज सिंह का तो हम वो है सब वर्ष बदला दिए थे, मगर हो जाए दोगलाई बाजी में बैठा दिया गया। सिंधिया को भी बुरा मानते हैं कि सिर्फ राजे सिंह? सिंधिया सही है तो सिंधिया है,
नहीं बिका तो नहीं, बराबर है, पैसे में क्या नहीं बिक जाता है। आज घर वाली भी बिक जाती है पैसे में, ऑटो सिंधिया है, राजनीति वाली है, जो केवल पैसे में ही बैठा के बनाया गया है। पैसे में आज यहाँ रामपुर बघेलान से आप संतुष्ट हैं बोले? हाँ, हम अपने विधायक से संतुष्ट है, अपने विधायक से हम संतुष्ट है बिल्कुल, मगर हमारा विधायक कहाँ कहाँ डिस्टर्ब कर देता है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी की जो तो संगत का असर पड़ता है क्या? या बेर की चाहे कौनो हो, मामा भाई ने कोई तो सब राग लगामे का है मोहर हाथी माँ, चाहे बने चाहे ना बने। आप तो प्रचार कर रहे हैं सीधे। हाँ बिल्कुल बर्बाद करेगा पंडित जी के हमारे। हाँ बहुत ही खतरनाक है हम, अब श्राप दे देंगे आप। हाँ, यही सिस्टम करेगा चाहे को बन जाए, मगर ये मैं कभी हाथी में ही साफ बनावा कि हाथी में डाला।